रेवाड़ी में आम आदमी पार्टी द्वारा जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलाए जा रहे बिजली आंदोलन के तहत रेवाड़ी विधानसभा के संगठन मंत्री संजय शर्मा की अगुवाही में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोहल्ला विकास नगर, सरस्वती विहार, राजवीर नगर, धक्का बस्ती, छिपटावाड़ा, आदर्श नगर में डोर टू डोर किया। इस अभियान में आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश रघुनाथपुरा, सुरेश कुमार, जगदीश शर्मा, प्रेम सिंह प्रजापत, ओम प्रकाश सैनी, सतीश मल्होत्रा, आजाद सिंह, गोपाल मनीष आदि ने अपना भरपूर सहयोग दिया। संगठन मंत्री संजय शर्मा ने लोगों को बताया कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार प्रति बिल पर लोगों को 600 यूनिट बिजली 24 घंटे उपलब्ध करवा रही है, जबकि हरियाणा सरकार 600 यूनिट के लगभग 4000 रुपए वसूल रही है। इसके अलावा 5 से 6 घंटे के पावर कट भी लग रहे हैं। इस पर मोहल्ले के लोगों ने महंगे बिजली बिल दिखाए और कहा कि हरियाणा सरकार ने बिजली रेट पहले ही महंगे किए थे। इसके बावजूद हरियाणा सरकार द्वारा मीटर सिक्योरिटी के नाम पर हमसे सालाना बिजली बिलों की एवरेज के आधार पर 2 महीने के बिजली बिल की कुल राशि घरेलू उपभोक्ताओं से 6 किश्तों में नॉन एनर्जी चार्ज के रूप में जबरन वसूली की जा रही है और कमर्शियल उपभोक्ताओं से यहाँ राशि एक मुश्क वसूल रही है। जबकि बिजली विभाग ने हमें कनेक्शन देते समय मीटर सिक्योरिटी राशि जमा करवा ली, तो फिर हर साल मीटर सिक्योरिटी राशि लेना सरासर गलत है। इसके अलावा हरियाणा सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली बिजली की स्लैब रेट महंगी करते हुए 200 यूनिट के ऊपर बिजली खपत पर 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाकर जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। हम पहले ही सरकार के गलत नीतियों से बढ़ी हुई महंगाई से परेशान आ चुके हैं। लोगों ने महंगे बिजली बिल आने पर नारेबाजी करते हुए आक्रोश में बिलों को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी के बिजली आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार से मीटर सिक्योरिटी राशि के नाम पर वसूली जा रही नॉन एनर्जी चार्ज को खत्म करने व दिल्ली और पंजाब सरकार की तर्ज पर 600 यूनिट प्रति बिजली 24 घंटे उपलब्ध करवाने की मांग की है। सर, आप क्या कार्य है, आप क्या काम है? मेरा नाम संजय शर्मा है, मैं आम आदमी पार्टी रेवाड़ी का ब्लॉक प्रेसिडेंट एवं संगठन मंत्री हूँ और पार्टी की तरफ से पूरे हरियाणा के अंदर एक बिजली आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसके तहत पूरे जिले के कार्यकर्ता ग्रामीण एरिया और शहरी क्षेत्र में जाकर डोर टू डोर जाकर दिल्ली और पंजाब के बिजली बिलों के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार दिल्ली और पंजाब की सरकार 24 घंटे बिजली दे रही है, न केवल बल्कि 600 यूनिट के पंजाब सरकार के बिजली के बिल 0 आ रहे हैं और यहाँ पर 600 यूनिट के बिजली के बिल लगभग 3,500 से 4,000 रुपये आ रहे हैं। तो इसको लेकर के लोगों में काफ़ी रोष है। लोगों ने हमें बताया कि सरकार ने मीटर सिक्योरिटी के नाम पर सालाना एवरेज के बिलों के आधार पर 2 महीने के बिजली बिलों जितनी राशि वसूल 6 किस्तों में वसूली जा रही है और यह राशि कमर्शियल बिलों से उपभोक्ताओं से एक मुश्त ली जा रही है। तो इस प्रकार उपभोक्ताओं के ऊपर ज़्यादा आर्थिक प्रभाव डाला जा रहा है। इसके अलावा अभी थोड़े दिन पहले 2-3 महीने पहले ही लगभग हरियाणा सरकार ने 200 बिलों से ऊपर 1 यूनिट खर्च करने पर 50 पैसे यूनिट की खपत रेट बढ़ा दिए गए हैं। ये एक तरह से समझो कि बिजली उपभोक्ताओं पहले से जो महंगाई की मार झेल रहे उनके ऊपर नमक छिड़कने वाली बात हो गई। तो इस तरह से सरकार के खिलाफ लोगों में भारी रोष है। आज ये इसी कार्यक्रम के तहत लोगों को बताया गया तो लोगों ने अपने महंगे बिल दिखाए और लोगों ने आक्रोशवश नारेबाजी की, सरकार से के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और बिजली बिलों को जलाया। और इसके लिए हम गांव-गांव में जा रहे, शहरों लोगों को जा कर रहे और लोग भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के बिजली आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी का भरपूर सहयोग देने के लिए अपने नाम और नंबर तक लिखवा रहे हैं। और ये लोगों में भारी रोष है और लोगों ने ये मांग की है कि सरकार को तुरंत नॉन एनर्जी चार्ज और मीटर सिक्योरिटी के नाम पर जो वसूली जा रही राशि है उसको तुरंत वापस लिया जाए, 24 घंटे बिजली दी जाए, नो पावर नो कट का सिस्टम होना चाहिए। इसी प्रकार लोगों की यही मांग है कि जब दिल्ली और पंजाब सरकार दे सकती है तो हरियाणा सरकार भी क्यों नहीं दे सकती। सवाल सिर्फ नियत का है। जब पंजाब और दिल्ली सरकार इतनी भारी सुविधा देने के बाद भी सरकार को फायदे में चला रही तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं ऐसा कर पा रही है। तो इसके लिए लोगों को जागरूक करें, लोग नाम मत हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी के बिजली आंदोलन को भरपूर समर्थन मिल रहा है लोगों का।